हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में जितने भी लोग नए आते हैं या जिन्हें नॉलेज नहीं होती या फिर जो नए नए होते हैं, बिगनर होते हैं, उनके मन में एक क्वेश्चन चलता होता है कि स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक्स का टारगेट कैसे निकालते हैं। तो हम बात करने वाले हैं टारगेट से रिलेटेड। तो अगर एक लाइन में मैं आपको आंसर दे दूँ इसका, तो एक लाइन में आंसर ये होगा कि स्टॉक मार्केट में टारगेट वो है जो आप डिसाइड करते हैं, जो आपके मन में है। अगर आपने सोच रखा है कि 50 रुपये का स्टॉक्स है और मैं इसे 500 रुपये पर बेचूंगा, बट एक फंडामेंटली अगर स्टॉक शेयर है तो 50 वाला 500 पे भी जाएगा और वो 5000 पे भी जाएगा, तो ये आपका टारगेट हो गया सबसे पहले। अब इसे और थोड़ा सा ब्रीफ अगर हमें जानना है तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किस वे में हम यहाँ पर इसका आंसर ढूंढ रहे हैं। अगर हम इसका आंसर ढूंढ रहे हैं इस वे में कि यहाँ पर हम ट्रेडर है, उस वे में अगर हम आंसर ढूंढ रहे हैं, तो ट्रेडर के केस में आप इंट्राडे कर रहे हैं तो यहाँ पर 1% का भी टारगेट अगर आपका रहता है, 1% भी आपको डेली मिल जाता है, तो वो एक बेहतरीन रिटर्न माना जाता है। एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल यहाँ पर टारगेट डिसाइड किए जाते हैं। तो एक टारगेट तो वो हो गया, इसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगेन वही चार्ट देख के और कैंडल देख के आप यहाँ पर पता लगा पाते हैं कि एक दिन में यहाँ पर शेयर कितना जाएगा या फिर निफ्टी की मूवमेंट कितनी है। इस बेस पे आप यहाँ पर टारगेट यहाँ पर डिसाइड करते हैं, उतने ही पॉइंट आप यहाँ पर लेके एग्जिट करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म में कि यहाँ पर हम चार्ट दिख रहा है और हमने यहाँ पर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं या फिर हमें अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं चार्ट को, उस बेसिस पे स्विंग ट्रेड या स्विंग ट्रेडिंग में या फिर पोजिशन ट्रेडिंग में टारगेट किस तरीके से निकालें, तो इस केसेस में आप यहाँ पर अगेन चार्ट का ही खेल होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके का पैटर्न बन रहा है, कब विद हैंडल पैटर्न बन रहा है उसके टारगेट अलग है, किस स्टॉक्स में कब विद हैंडल पैटर्न किस लेवल पे बन रहा है उसके टारगेट अलग है, एज वेल एज रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है वहाँ पर टारगेट अलग दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल, ऑन द बेसिस ऑफ कि आप यहाँ पर किस ट्रेडर है या इन्वेस्टर है, वो आपके यहाँ पर टारगेट डिसाइड करता है। तो ट्रेडिंग ये हो गया, इन्वेस्टिंग हमेशा ये रहता है कि आपने एक बार इन्वेस्ट किया, आपने एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया और आपका व्यू हमेशा 5 साल, 10 साल, 20 साल का है। वॉरेन बफेट सर भी कहते हैं कि एक बार मैंने स्टॉक्स ले लिया तो हमेशा के लिए ले लिया, क्योंकि वो मैंने चुना है एक बेहतरीन शेयर चुना है और वह हमेशा मुझे रिटर्न देगा, डिविडेंड भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा, स्प्रिट भी मिलेगा और शेयर यहाँ पर भागता चले जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा ताकि इस तरीके की नॉलेज आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।